और बहुत अच्छे तरीके से अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से सुनील जी आपने इस परंपरा का निर्वाह किया और आपने मुझे भी पिछले कई सालों से इस परंपरा के साथ जोड़ा। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि हमारे शहीदों को तो हम लोग हमारी मानवंदना के सिवाय दूसरी कोई चीज दे नहीं सकते। उनको याद करना और उनके प्रति अपने आभार व्यक्त करना, यही मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये बात भी सही है कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना था तो हमारे राज्य से जो सैनिक शहीद होते थे उनको मात्र 5 लाख रुपए हम लोग देते थे, और सुनील जी के ही आग्रह पर हमने पहले उसमें 25 लाख रुपए किए, फिर 50 लाख रुपए किए और फिर 1 करोड़ रुपए किए। जैसा मैंने उस समय भी कहा था कि शहादत का कोई मोल नहीं होता, किंतु यह जिम्मेवारी भी हमारी बनती है कि हमारे लिए जो लड़ते हैं उनके पीछे समाज ने और सरकार ने खड़ा होना चाहिए। पैसे से किसी की जान वापस नहीं आ सकती, किंतु कम से कम हम ये जवाब तो दे पाए कि जिन्होंने हमारे लिए शहादत ली उनके परिवारों के पीछे सरकार और समाज खड़ा है। और उसी दृष्टि से हमने कई निर्णय उस समय लिए थे। हमारे शहीदों को या उनके परिवारों को जमीन देने का विषय था और कई वर्षों से कई प्रकरण पेंडिंग थे, हमने पीछे लग के सारे प्रकरण क्लियर किए और जिन जिन परिवारों ने मांग की थी और जिनको जमीनें नहीं मिली थी उन सभी को जमीनें देने का निर्णय उस समय किया, वो जमीनें हैंडओवर की। और यह भी निर्णय किया कि स्वतंत्रता दिवस के, गणतंत्र दिवस के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में हमारे कलेक्टर ऑफिस से स्पेशल टीम सभी शहीदों के घर जाए, उनको उस कार्यक्रम का निमंत्रण दे और उनको ससम्मान उनके परिवार वालों को उन कार्यक्रमों में वो सम्मिलित करवाए। तो इस प्रकार के कई निर्णय उस समय हम लोगों ने लिए और ऐसा मानता हूं कि इसकी प्रेरणा भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमको मिली।